नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दी कुमार टेक। जैसा कि आप जानते हैं, लिनक्स बेस्ड जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो सभी हाईली कस्टमाइजेबल हैं। आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका लेआउट व्यू चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उबंटू का जो डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है इसको चेंज करने वाले हैं। आप थंब लाइन से समझ ही गए होंगे कि हम अपने उबंटू बेस डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को विंडोज 11 की तरह कस्टमाइज करने वाले हैं। विंडोज 11 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और उसका काफी ज्यादा जो इंटरफेस है लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके टर्मिनल पे आ जाना है। आपको टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद आपको सुपर यूजर से इसे लॉगिन कर लेना है और आपको यहाँ पर दो पैकेज इंस्टॉल करने होंगे। तो सबसे पहले जो पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, मैं कमांड को कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। कमांड है sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस जीनोम डैश सेल डैश एक्सटेंशन डैश 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 टू डैश पैनल। ठीक है, जैसे ही आप इस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो पैकेज है वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको दूसरा कमांड जो यहाँ पर रन करना है, ये भी मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर टाइप कर डाल रहा हूँ। दूसरा कमांड रहेगा sudo apt स्पेस इंस्टॉल स्पेस क्रोम डैश जिनोम डैश सेल स्पेस जिनोम डैश सेल डैश एक्सटेंशन डैश प्रोफेस। ठीक है, कमांड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। दोनों कमांड हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई हैं। अब आपको इन कमांड से रिलेवेंट जो पैकेज है वो आपको इंस्टॉल करने होंगे। अभी से हमने कमांड को रन किया है लेकिन इनसे रिलेवेंट जो पैकेज है वो यहाँ पर अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो चलिए, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको आपके सिस्टम पर गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है या मोजिला फायरफॉक्स जो भी आप यूज करते हैं उसको ओपन कर लीजिए। यूआरएल टाइप करना होगा, मैं यूआरएल को फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। तो हमारा यूआरएल रहेगा https://extension.genome.org/extension/1160/-2-panel। ये हमारा जो पैकेज है वो यहाँ से इंस्टॉल्ड होगा इस वेबसाइट से थ्रू। ये वेबसाइट के पूरी तरीके से लोड हो जाने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी हमें किसी भी प्रकार का कोई टॉगल स्विच, ऑन ऑफ स्विच या इंस्टॉलेशन टैब नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर इस क्लिक करके इस जिनोम इंस्टॉलेशन एक्सटेंशन को ऐड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्लिक टू इंस्टॉल ब्राउजर एक्सटेंशन पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कंटिन्यू टू इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देंगे। ऐड करने के लिए कंफर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, हम यहाँ से कंफर्म करेंगे और ओके। हमारा जो ब्राउजर एक्सटेंशन है वो यहाँ से इंस्टॉल हो गया है। हमें इसी पेज को फिर से रिफ्रेश करना है। ये देखिए, लॉगिन के जस्ट नीचे हमारे पास ऑफ कंडीशन में एक टॉगल स्विच आ गया है जो कि पहले शो नहीं हो रहा था। हम इस टॉगल स्विच को यहां से क्लिक करके ऑन कर देते हैं। जैसे ही आप ऑन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक पॉपअप अपेयर होगा जिसमें आपसे कंफर्मेशन के लिए पूछ जाता है कि जो एक्सटेंशन आप डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहते हैं
तो यहां पर हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे ही ये एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हुआ है तो आप देख पाएंगे कि ऊपर जो डिफॉल्ट मेनू बार आता था Ubuntu में वो हाइड हो गया है और नीचे जो डैश बार आता था वो भी हाइड हो गया है और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें विंडो की तरह एक नीचे टास्क बार आ गया है जिसमें राइट हैंड साइड में हमारा बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, उसके बगल में डेट एंड टाइम और लेफ्ट हैंड साइड में मेनू ऑप्शन आ रहा है शो ऑल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप के लिए। फिर से आपको ब्राउजर ओपन करना है, नया टैब लेंगे और यहाँ पर हम जो दूसरा URL है वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ये भी एक्सटेंशन का ही URL है, तो हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से हम आर्च मेनू का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करेंगे। तो हमने पहले ब्राउजर एक्सटेंशन ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिया था, इस वजह से हमें सीधा यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच आ गया है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे फिर से इंस्टॉलेशन के लिए पूछा जा रहा है, इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जैसे ही ऑन का सिंबल शो होने लग जाता है, इसका मींस कि आपका एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हो गया है। अब इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपको शो ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है लेफ्ट साइड में। सभी एप्लीकेशन अभी आप देखेंगे कि वैसे ही ओपन हो रही हैं जैसी आपकी डिफॉल्ट Ubuntu में होती थी। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सटेंशन, इसको आपको ओपन कर लेना है। अब ये वो दो एक्सटेंशन है जो हमने इंस्टॉल किए हैं, आर्च मेनू और डैश टू पैनल। आर्च मेनू से हमें जो विंडो 11 का लेआउट है मेनू बार का वो मिलेगा और डैश टू पैनल से हमें नीचे जो डैश बार मिल रहा है वो आया है। तो अब हमें दोनों को कॉन्फिगर करना होगा अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम डैश टू पैनल पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, सेटिंग बार ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें शो ऑल एप्लीकेशन का एक टैब दिख रहा है। ठीक है, हमें इसको हाइड करना है क्योंकि जब तक हम इसे हाइड नहीं करेंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी हाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखिए शो ऑल एप्लीकेशन का जो बटन है वो अभी विजिबल है, इसको हम कर देते हैं हाइड, ये आपका अनहाइड हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन कीजिए, लेफ्ट बॉक्स का जो सिंबल है इसको हम कर देते हैं मॉनिटर सेंटर, सभी आइकन आपके सेंटर में आ गए। देन टास्क बार का भी जो ऑप्शन है उसको कर देते हैं मॉनिटर सेंटर और उसके बाद आपका रहा लेफ्ट वाला, इसको भी कर देते हैं मॉनिटर सेंटर। ठीक है, सभी मेनू आपके सेंटर में आ गए हैं। अब इसको कर देते हैं हम बंद, ये हमारा सेटिंग कंप्लीट। अब हम चलते हैं आर्च मेनू में, उसका भी हमें सेटिंग करना होगा। तो यहाँ पे फिर से सेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मेनू लेआउट पे जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडर्न मेनू लेआउट, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको इतने सारे लेआउट्स देखने को मिलेंगे। ये विंडोज 10 का लेआउट है और ये विंडो 11 का लेआउट है, तो हम इसको 11 के लिए कॉन्फिगर कर रहे हैं, आप 10 के लिए भी कॉन्फिगर कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको आ जाना है बटन अपीयरेंस पे, यहाँ से आपको आइकॉन का जो साइज है वो बड़ा करना है। आप देखेंगे मोज़िला फायरफॉक्स के बगल में एक आइकॉन है जो कि साइज चेंज हो रहा है, तो इसको हम जो साइज है वो कर देते हैं हमारे मोज़िला फायरफॉक्स के साइज के बराबर। ठीक है, ये हमारा आइकॉन का जो लेआउट है वो चेंज हो गया। और भी यहाँ पे तमाम सेटिंग दी हैं, इन सभी सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अभी इतना ही सेटिंग्स यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरा हो गया, अब हमें चाहिए एक वॉल पेपर। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में और हमने यहाँ पर यह वॉल पेपर डाउनलोड किया हुआ था विंडो 11 का, सेट एज वॉलपेपर कर देते हैं इसको, शुरू कर देते हैं पर। तो हम अब यहाँ से क्लिक करते हैं इसके आइकॉन्स के लिए, ये देखिए जो लेआउट है एकदम विंडो 11 जैसा ओपन हो गया आपका। तो
इस तरीके से सभी सेटिंग को आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का लेआउट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे थीम ओवरराइड के लिए भी एक बार क्लिक करके देखते हैं, अप्लाई क्लोज। ठीक है, आप चाहें तो ये जो आइकॉन्स हैं इन आइकॉन्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। इसके लिए आपको सिस्टम पर टर्मिनल ओपन करना है और एक कमांड को रन करना है जो कि मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इस कमांड से होगा ये कि आपके सिस्टम पर विंडो 10 का जो आइकॉन पैक है वो डाउनलोड हो जाएगा। विंडो 10 का आइकॉन पैक डाउनलोड करने के लिए आप इंटर प्रेस कीजिए। चूंकि फाइल tar.gz फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कमांड रन करना है tar स्पेस -xvf स्पेस फोल्डर का नाम और इंटर प्रेस कीजिए। फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई है। आप चाहें तो लोकल डायरेक्टरी में जाकर भी राइट क्लिक करके फाइल के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमें इस फाइल को मूव करना होगा हमारे सिस्टम के लोकल आइकॉन फोल्डर में। इसके लिए हम कमांड रन कर रहे हैं sudo स्पेस mv स्पेस फोल्डर का नेम, एक स्पेस के साथ वो पाथ हम देंगे जिस पाथ पर हम इसको मूव करना है, वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूजर के साथ शेयर के अंदर आइकॉन, इस पाथ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए फाइल हमारा वहां से मूव हो गया है। इसके बाद अब आपको एक पैकेज और डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे कि आप इस आइकॉन पैकेज को सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकें। तो आपको कमांड रन करना है sudo apt install gnome dash tweak dash tool। इंटर करने के बाद बाय कंफर्म करने के लिए प्रेस कीजिए और फिर से इंटर प्रेस कीजिए। फाइल आपका इंस्टॉल हो गया है, ये देखिए बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। अब हमें इस एप्लीकेशन को भी कॉन्फ़िगर करना है ताकि जो हमारे डेस्कटॉप आइकॉन्स हैं उनको हम विंडो 10 या 11 के जैसे चेंज कर सकें। तो इसके लिए मैं टर्मिनल को मिनिमाइज कर देता हूँ और मेनू पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ट्विक का ये ऑप्शन दिखेगा, इसको ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन लोड हो गया है। इसके बाद आपको क्लिक करना है अपेयरेंस पे। अपेयरेंस के अंदर आपको थीम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आपको यहाँ पर आइकॉन्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर विंडो 10 का जो आइकॉन दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम कर्सर के कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन बार को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि जो हमारा लुक एंड फील है वो विंडो 11 जैसा हो सके। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। और भी बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर भी चेंज कर पाएंगे। चलकर एक बार होम डायरेक्टरी चेक कर लेते हैं कि होम डायरेक्टरी का जो लुक है वो अब कैसा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं इस पैनल टर्मिनल को बंद कर देता हूँ विंडो को, और यहाँ से हम अपना रूट डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। ये देखिए रूट डायरेक्टरी का जो लेआउट है वो एकदम विंडो 11 जैसा हो गया है, जैसा कि आप विंडो 11 में देख पाते हैं। देखिए आप यहाँ से होम डेस्कटॉप आइकॉन्स के लेफ्ट साइड में आइकॉन्स देख पाएंगे, पर जो आइकॉन है वो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको करंट सेशन को एक बार लॉग आउट करके रीलॉग इन कर देना है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे सेशन रीलॉग इन किया है तो ये देखिए जो डेस्कटॉप के आइकॉन्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। साथ में नीचे आप आउटलुक का आइकॉन देख पाएंगे, मोजिला फायरफॉक्स का आइकॉन देख पाएंगे और तमाम आइकॉन जो थे वो सभी यहाँ पर सेशन को री लॉग इन करने पर चेंज हो गए हैं। स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने उबंटू ओएस का लेआउट चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए।